तो गाइस सुबह सुबह चार बजे निकलने का काफ़ी फ़ायदा मिला हमें। एक तो फ़ायदा ये हुआ कि हम बहुत टाइम से पहले पहुंच गए। इससे पहले चार साल या पाँच साल पहले यहाँ पे आए थे जब, तो ऐसा इतना जल्दी नहीं पहुंचे थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। इस बार तो एकदम पता ही नहीं लगा, हम लोग 3-3.5 घंटे के अंदर दीघा पहुँच गए। वैसा भी नहीं कि हम बहुत तेज़ चलाए, तो काफ़ी सही था। और मतलब सुबह निकलना सही में कहीं पे भी अच्छा रहता है। हाँ, एक चीज़ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने उम्मीद नहीं किया था इसका। मुझे लगा था कि काफ़ी गर्मी होगा सुबह से ही, लेकिन बाइक से जब आ रहे थे तो सुबह काफ़ी ठंडा मौसम था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये ठंडी का समय है, तो मेरे को हुडी वगैरह ले लेना चाहिए था एटलीस्ट। तो अच्छा खासा ठंडा लगा, लेकिन फिर थोड़ा देर के बाद उसके से 2 घंटा मेरे को ठंडा लगा, 2 घंटा नॉर्मल था, सूरज निकल चुका था तो आराम से आ गया। इधर से किस साइड है? इस साइड है, इस साइड होगा सर। सामने जाने के बाद कुछ भी नहीं दिखेगा, बस पानी ही पानी, चौ चपे। इसको क्या हुआ, गेट बना रहा था, बीच में ही रुक गया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई यहाँ पे? तो हम लोग नॉर्मल डे में आ रहे हैं ना, इसलिए ऐसा है। जैसे 1 तारीख या कल, वही कल के दिन ना, मतलब होली के दिन आता यहाँ पे, अलग ही माहौल रहता। 15 अगस्त हुआ या फिर 26 जनवरी या फिर 1 तारीख 25 दिसंबर, ये सबसे ज़्यादा होता है 25 दिसंबर से लेके पूरा जनवरी भर। जनवरी में कभी भी भीड़ होगा, लेकिन उस समय नहाने का मज़ा नहीं आएगा क्योंकि ठंडी रहता है ना। ये क्या हुआ, टूट गया। आवाज़ सुन, आवाज़ लहर का, हवा का आवाज़ सुन, पानी का आवाज़ सुन। जो दीवार है, जो दीवार यहाँ तक है क्या पानी? नहीं, थोड़ा और आगे, हवा आगे होगा, देखना पड़ेगा पानी कम है कि ज़्यादा है। शताब्दी व्यू, फर्स्ट व्यू देखोगे समंदर का, ये अभी रिवील नहीं होगा, रिवील करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये देखो, ओ लहर देख रहे, खतरनाक लहर उठ रहा है भाई, कोई नहीं नहा रहा देख रहा, नहीं तो ये पूरा बीच भरा हुआ है। ये लोग जो वे है ना, उस सब नहाने के लिए आए हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं नहा रहा। भाई आराम से, विटामिन डी पूरा ले रहे हैं हम बैठ के, नहा तो पा नहीं रहे क्योंकि रीज़न ये है ना कि मैं दिखाता हूँ आपको, जो दीघा का बीच है ये आधा दूर तक यहाँ पे पत्थर बिछा हुआ है ऐसा, तो ऐसे पत्थर में नहाना इम्पॉसिबल है क्योंकि पानी अभी ज्वार आया हुआ है, जिसकी वजह से पानी काफ़ी ऊँचा है, तो अभी नहाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी नहाने का सोचोगे ना वहाँ पे तो लहर का थपेड़ा ऐसा मारेगा, फिर गिर जाओगे, सर फट जाएगा,
रिस्की हो जाएगा काफ़ी। जब भाटा होगा, अभी तो ज्वार है, जब भाटा होगा ना तब हम जाके वहाँ पे नहा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसके बाद पूरा रेत है, उसके आगे मतलब रिस्क बहुत कम है ना, ईजिली नहा सकते हैं। अब देखते हैं, मे भी शाम तक कम हो जाए, शाम को अगर कम होगा तो हम फिर आएँगे एक बार। फिलहाल तो हम विटामिन डी ले रहे हैं, व्यू तो अच्छा ही है, हवा भी ज़बरदस्त है, और यहाँ पे कमालू बैठा हुआ है जो कि मेरे साथ आया हुआ है। पूरा 200 किलोमीटर चलने के बाद हमें ये मज़ा देने को मिल रहा है, जो कि सही में बहुत ही आनंद है, ज़बरदस्त। तो हम लोग का अभी का प्लान कैंसिल हो गया नहाने का सीज़न, क्योंकि ज्वार था। फिर आते हैं एक घंटे के बाद, 12 बजे पानी कम हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे पूरा बीच जैसा दिखेगा, फिर आएंगे और हाँ फिर से नहाने का ट्राई करेंगे। और ना अभी जो है जो पैर हम लोग का हालत ख़राब है, क्योंकि हम लोग आ गए थे खाली पैर, तो उस वक्त तो ठीक था, ठंडा था, अभी देखो पूरा बहुत तेज़ धूप होने की वजह से पैर जल रहा है, पैर जल रहा है, पूरा लाल हो गया, दिखा दिखा चाहेंगे हम लोग तो ये क्या बोलते हैं शू पहन के आएंगे। फिलहाल के लिए अभी रूम पे चलते हैं, बाय। ए फ्यू मिनट्स लेटर, ये रहा बाथरूम, इसको जा रहे फ्रेश वाटर में धोने, बिकॉज नमकीन पानी में कोई भी चीज, नमकीन पानी को कोई भी चीज़ खराब करता है, तो मैं जा रहा हूँ फ्रेश वाटर स्नान करवाने। ये अभी सही मिल गया कैमरे को। A few moments later. साहब इधर तो भीड़ देखो एक बार। हाँ चलो यार, मैं कह रहा कहीं सामने आऊंगा चलो, कहीं वहां तक भी ना पहुंचे पानी। चश्मा खोल के अंदर डाल ले, उड़ जाएगा नहीं तो। आजा आज आप टेंशन मत ले, वहां पे पत्थर था, यहाँ पे नहीं है। नहीं अपने आप ही ऊपर आएगा। मिला? अरे रुक जाओ, रुक, मैं कह रहा अभी अपने आप ही ऊपर आएगा यार, रुक जाओ। ऊपर नहीं आएगा। ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा ही नहीं, ऐसे मिलेगा ही नहीं। आ रहा बहुत जोर से बोला था भाई, सही से रहने। मैं इसलिए चश्मा लगा के एक बार डुबकी मारेगा गया पता। बन रहा
दोस्तों मेरा चश्मा फेंक आया था, मैं एक बार डुबकी मारा पूरा चश्मा नीचे रह गया। मैं चश्मा पहन के आया था, एक बार डुबकी मारा चश्मा नीचे रह गया, मैं ऊपर आ गया। किनारा उतना दूर है, किनारा उतना दूर है, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एकदम बीच में। नहीं, जब गर्दन पे ऊपर आ जाएगा ना, जब गर्दन के ऊपर आएगा तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, इतना बता दे रहा हूँ। उल्टा टांग यार, ये एडवेंचर बहुत सस्ता है यहाँ पे, मालूम है? ये जो बोटिंग करवा रहा है ना, 150 रुपये में करवा रहा है, कर लेंगे ठीक है, आएंगे फिर। हाँ फिर आएंगे शाम को, उल्टा इसी में मोबाइल लेके नहीं आएंगे, तभी भी तभी कैमरे ही लेके आएंगे। ये जो यहाँ पे बोटिंग हो रहा है ना दोस्तों, 150 रुपये का होता है एडवेंचर, इसे भी हम करेंगे, शाम को करेंगे। भाई भाई आया कि नहीं, शानदार लग रहा है ना देखो। बताओ दोस्तों क्या हो रहा है, लिटरली जब मैं ना लहर आ रही है ना, नाक से पानी जा रही है, मुंह से निकल जा रही है, देखो देखो। ओ जबरदस्त, अरे यार की बड़ी बड़ी है। देखो दोस्तों पूरा का पूरा वहाँ पे भीड़ ही भीड़ है, सुबह में हम लोग आए थे तो पानी वो ऊपर था, अभी पानी यहाँ पे है। आगे मत जा भाई, तो बहुत ही मजा आ रहा है, दीघा का ये वाला पिलर जबरदस्त है, कोई वाटर पार्क नहीं दे सकता ये मुझे, जो मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ यार। भाई अब मेरा जूता ना खुल जाए, मेरा लेस ढीला हो रहा है, नहीं नहीं हाँ चल के बांध लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है उछल मेरा जूता, जूता का लेस थोड़ा लूज, और मेरा मेरा Ha 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 ha!
भाई तो गलत जगह पंगा लग गया। मुझे लगा इंसान है। इंसान ही तो था भाई। तुझे क्या लगा? प्रेम मोहब्बत दे तेरे। जहाँ से तू बैठा है ना, जहाँ से तू बैठा है वो नीचे से ना करना। ये जब करकेगा तो फील करना खाली। लहर आ रहा है, ये देखिए लहर आ रहा है। अभी देखना जब वापस जाएगा ना नीचे से रेत चरकेगा, उस चीज को फील करना। ऐसा लग रहा है कि दब रहे हैं। अंदर अंदर जा रहा है ऐसा लग रहा है ना। लेस जितना हो सके ना उतना टाइट बांध ले, बांध लो। बाकी इनका तो चश्मा तो वैसे ही छूट गया, ऐसे ही छूट गया चश्मा के चक्कर में। जूता ना चलाया साला, डुबकी मारा नीचे, चश्मा अंदर ही रह गया, मैं ऊपर आ गया। ऐसे बांधू क्या यार, ऐसे बांधू क्या? हाँ बांधो बस, निकले ना बस। हाँ वही ऐसे बांधो, साला गड्ढा हो गया यहाँ यार। आजा बेटा आजा जल्दी आ रहा। इधर लेस गाइस को मैंने लेस कुछ अलग तरीके से बांधा है इस बार ताकि खुले ना। ये मैंने यहाँ से बांध के यहाँ पे रैप करके यहाँ पे बांध दिया है, इसको भी यहाँ पे कर दिया है। अब होगा फुल टू इंजॉय, आप खाली बने रहो बस। कितना भीड़ है यहाँ पे, सबको एंजॉय कर रहे हैं। और देख लो आप कितना ज़्यादा भीड़। अबे तू यहीं पे मुझे दिख रहा है बूढ़ा, रिकॉर्डिंग भी हुआ है देख लेना। भाग रहा है, गौर से देखो इस इंसान के भाग। रुक जा कमा लो, चलेंगे रुक जा। लहर कम हो गया, लहर कम हो गया, समुंदर में तैरेगा। दिखा दिखा। अबे रह जाएगा अंदर ही, पता है। A few moments later, guys यहाँ पे फिर से ज्वार शुरू हो गया है, पानी अब फिर से बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग अच्छी बात यह है कि हमने पूरा फन कर लिया, अच्छे से मस्ती कर लिया है यहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया। तो देखने के लिए आप, मैं इसको पूरा ब्लॉग में डाल दूँगा, आप देख लेना। और मेन चीज़ ये था ना यहाँ पे कि मतलब ऐसा एंजॉय मैंने पहले कभी नहीं किया, एंजॉय नेक्स्ट लेवल था। अगर आपको भी आना है यहाँ पे तो ज़रूर आ सकते हो, ज़बरदस्त जगह है दीघा। ठीक है, दीघा पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पानी जब बढ़ता है तो आप नहीं नहा सकते, तो पानी ये जो मेरे पीछे वहाँ पत्थर दिख रहा है वहाँ तक रहता है अभी, मतलब जब ज्वार होता है। अभी भाटा है तो पानी यहाँ तक चला गया है। 12 बजे से स्टार्ट होता है दोपहर के 12 से शाम के 6 बजे तक भाटा रहता है। तो अभी कितना टाइम, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे इस वीडियो को। मैं हूँ फैज और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।